बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं बना रही हूँ परवल आलू रसेदार। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें ये हैं। ये है कद्दूकस की हुई अदरक, 2 इंच कटी हुई अदरक कद्दूकस कर लिए मैंने। ये है हरी मिर्च, ये है बारीक कटी हुई प्याज, ये है टमाटर बारीक कटे हुए, ये है हरा धनिया, ये है 1 चम्मच धनिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च है और आधी चम्मच हल्दी है। ये है ऑयल, सॉल्ट टू टेस्ट, बघार के लिए मेथी दाना। ये मैंने आधा किलो आलू लिया है और पाव भर परवल लिए हैं। चलिए अब हम पकाना स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब तेल इसमें हम डाल रहे हैं। तेल गर्म हो रहा है, जब ये गर्म हो जाएगा तब इसमें मेथी डालना पड़ेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं ये तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं मेथी के दाने डाल रही हूँ। ये मेथी चटक रही है ना, अब इसमें जाएगा टमाटर चॉप किया हुआ, कद्दूकस की भी अदरक, थोड़ा सा पानी जाएगा, बारीक कटी हुई प्याज पड़ेगी, और ये सारे सूखे मसाले जाएंगे। अब हम मसाला भूनेंगे। सब्जी में सारे मसाले मैं काट के डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, पीसे मसालों से भी ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट होगा। देखिए मसाला भुन रहा है, थोड़ा टाइम और लगेगा भुनने में, फिर मैं इसमें सारी सब्जियाँ डालूँगी। अब ये मसाला भुन चुका है, देखिए इसमें तेल ऊपर आ गया है, इसका मतलब कि ये मसाला भुन चुका है पूरी तरह से। अब इसमें मैं सब्जी डालूंगी। सारे आलू इसमें पड़ गए, अब मैं इसमें परवल डालूंगी और सब्जी की कटिंग इसी टाइप से करनी है, लंबे लंबे आलू और लंबे लंबे परवल। अब इसमें कुछ खड़ी मिर्च, हरी मिर्च जाएंगी मोटी मोटी और कुछ साबुत। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा। अब इसको थोड़ा चलाना है। ये मिक्स हो चुका है। अब सब्जी गलने भर का सिर्फ हमें पानी डालना है, जितने पानी में सब्जी गल जाए। हाँ तो ये सब्जी जो है अब पक रही है, देखते हैं ये कितनी पक चुकी है। अभी इसे पकने में थोड़ा टाइम है। फ्रेंड्स, अब सब्जी पूरी तरह से पक चुकी है। अब इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डालने के बाद इसको मिक्स करके डिश आउट करना है। आलू परवल की मज़ेदार सब्जी तैयार है। हाँ
हाँ तो अब ये आलू परवल की सब्जी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। मैं इसे डिश आउट कर चुकी हूँ। अब इसको हरे धनिए से गार्निश करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।